हरियाणा चुनाव के साथ ही सियासतदानों ने बयान देने भी शुरू कर दिए हैं। वहीं गुरुग्राम में R9 टीवी की संवाददाता प्रियंका रावल ने बीजेपी के संभावित उम्मीदवार नवीन गोयल से बातचीत की है। इस बातचीत में नवीन गोयल ने राष्ट्र, राष्ट्रवाद और धारा 370 को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। विधानसभा चुनाव की मुनादी शुरू हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ हैं R9 टीवी पर बीजेपी के सबसे प्रबल दावेदार माने जाने वाले नवीन गोयल जी। आइए सीधे संवाद करते हैं नवीन गोयल जी से। सर, सबसे पहला सवाल कि इस बार आपका प्रमुख एजेंडा क्या होगा? धन्यवाद प्रियंका जी। हमारी पार्टी ने पिछले 5 सालों में बहुत सारे काम गुरुग्राम के लिए किए। हमारा हरियाणा बने हुए करीबन 63 साल हो गए हैं। 58 साल के मुकाबले में 5 साल में बड़े काम हुए, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। तो एक नई विज़न के साथ, एक नई वर्किंग के साथ काम करने की इच्छा है। हमने गुड़गांव के लिए 3 नारे दिए हैं, ग्रीन गुड़गांव, क्लीन गुड़गांव एंड फिट गुड़गांव। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन तीनों पे हमने काम शुरुआत कर दी है। हमने कई बाजारों में डस्टबिन बांटे हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सब लोग गंदगी को बाहर खुले में ना फेंकें, कोई भी कूड़ा है उसको डस्टबिन में डालें। साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के एक जन आशीर्वाद यात्रा गुरुग्राम में आई थी, तो जिस पॉइंट पे हमें उनका स्वागत करने का मौका मिला तो लोगों ने बड़े बड़े गिफ्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए। लेकिन मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता ने एक सिर्फ 2 रुपये का थैला मुख्यमंत्री जी को गिफ्ट किया। और जो सिंगल यूज प्लास्टिक, ये पॉलीथीन के खिलाफ हमने अभियान छेड़ा, तो मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता की मुख्यमंत्री जी ने सराहना भी की इस काम की। और हमने पूरा मिशन बना करके इस गुरुग्राम को पॉलीथीन मुक्त करना है, हम काम कर रहे हैं। सर, आपने अभी 370 के बारे में थोड़ा जिक्र आपने किया है, आपसे जानना चाहूंगी कि राष्ट्रवाद और कश्मीर से धारा 370 हटना, क्या बीजेपी सरकार इसको अपना एक अहम मुद्दा बना सकती है? पिछली हमारा जब से 72 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ, एक ऐसी ये कलंक हमारे भारत माता पे लग गया था कि हमारा देश का हिस्सा होते हुए भी कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं था। ना वहाँ पर झंडा फहरा सकते थे, ना देश के कानून वहाँ पे लागू हो पाते थे, ना कोई वहाँ पे जाकर के व्यापार कर सकता था, ना कोई ज़मीन ले सकता था। और बड़ी बड़ी शक्तिशाली सरकारें आई कांग्रेस की, राजीव गांधी जी के टेनोर में बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस आई, लेकिन किसी ने इतना बड़ा काम करने की सोची नहीं थी। और लोग डराते थे, ऐसा था कि 370 धारा हटेगी तो पता नहीं कितनी कैजुअल्टी हो जाएंगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने 1 घंटे में 370 धारा 35 से हटा भी दी, कश्मीर का पुनर्गठन भी कर दिया और एक सिंगल कैजुअल्टी भी नहीं हुई। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से प्रबल दावेदार माने जाने वाले नवीन गोयल जी। इन्हें पूरा भरोसा है कि जनता का इस बार सहयोग इन्हें अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। हालांकि अभी चुनाव आने में कुछ ही समय शेष है, ये तो जनता ही तय करेगी, ये जनता की अदालत है और जनता के वोटों से ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वीडियो जर्नलिस्ट केशव के साथ प्रियंका, R9 TV, गुरुग्राम।